जो हिंदू कौम थी ना हिंदुस्तानी, उसमें पाकिस्तानी भी कंसीडर है, ये लोग गुलामी सोच वाले थे, गुलाम की सोच वाले। किसने इनपे कहा, ब्राह्मणों ने आगे, किसने इनपे कहा? ब्राह्मण आए, इन्होंने ब्राह्मण की गुलामी कबूल की एक सेकेंड, एक कि सेकेंड, जिनके ऊपर आर्यन आए, एक उन्होंने सेकेंड, आर्यन एक की सेकेंड, रुक गुलामी जा, की। ओए रुक, ओए रुक। ब्राह्मण तो खुद हिंदू है, हिंदू है, मुझे पता है हिंदू, आर्यन तो खुद हिंदू है। लेकिन आर्यन हिंदू नहीं थे, एक सेकंड, आर्यन हिंदू नहीं थे हिंदू ही थे। अब मुझे ये बता रहे हैं यार। आप मुझे बता रहे हैं कि हिंदुओं ने के मुल्क के ऊपर हिंदू हुकूमत कर रहा है तो यह गुलामी है, लेकिन अगर हिंदुओं के मुल्क के ऊपर मुसलमान हुकूमत कर रहा है तो गुलामी नहीं है। दैट इज ऑसम। मैं ये बात बता रहा हूँ कि इनके ऊपर जितना मर्जी जुलम कर रहे, कुछ भी नहीं कहते थे, ऐसे ही आगे 1857 की जंग भी मुसलमानों ने स्टार्ट की थी, बिल्कुल, इंडिपेंडेंट हो। वही वही, सुन सुन सुन, आप मुझे कह रहे हो हिंदू इतने नाइस थे कि इनके ऊपर जो मर्जी जुलम करता है आगे से कुछ नहीं करते थे। आज हिंदू कुछ क्यों भी नहीं फिर करता था ये हिस्ट्री, क्योंकि बेहतरीन? तो इनके धर्म आज में, इनके जो दीन धर्म में लव था, पीस था, और तुम लोगों ने देखा कि यार ये तो है ना, इनको अम्ब है, और तुम लोग आगे यार मैं बता नहीं रहा कि आइटम इनपे बस। जिन्होंने भी हुकूमत की ना, इनको राइट्स नहीं देते, मुसलमानों ने थोड़े से राइट्स दिए ना तो उछल गए, अरे और थोड़े से उछलते राइट्स दिए उछलते राइट्स मुसलमानों ने, कौन थोड़े से राइट्स दिए? मुसलमान ने सारे राइट्स दिए लिए। नहीं। सुनो अब, सुनो मेरी जान, तुम बताइए मेरी बात पाकिस्तान सुनो, में जो बताया जाता है मैं भी बचपन से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरे से ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ कोई नहीं बोलता था एक जमाने में, और मेरे से ज्यादा गालियां भी किसी ने निकाली भी हिंदुओं को। तुमने खुद ही बोला ये लोग पीसफुल लोग थे, चुप कर जाते थे। हाँ चुप करते थे, मैंने इनकी ठीक, हिस्ट्री बहुत थैंक ज्यादा पढ़ी। यू। तो तुम लोगों ने फिर इन पे हमला कर दिया, कब्जा कर लिया, ये लोग चुप कर जाते थे, अब तुम्हें तकलीफ क्यों है? यार देखो ये ना उनसे, बस मैं सिद्धार्थ का जवाब देता हूँ कि ये ना एक्सट्रीमिज्म है कि हमने उनपे 800 साल प्लस हुकूमत की है, अब वो हमारे से हुकूमत छीन ली उन्होंने, अब हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत वापस आए बस। हुकूमत तुम कहते हो कि तुम्हारी, मुसलमानों की हुकूमत दोबारा इंडिया में आए, हाँ यही है, ये तो सब तुम्हारी देखो हुकूमत आ गए। दोबारा है। हाँ तो तुम ये कह रहे हो आज दोबारा से इंडिया के लैंड पे कब्जा करना चाहते हो, लिहाजा हिंदू जो खड़े होके तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं खड़े होने देना, नहीं तुम्हें दोबारा इस लैंड पे कब्जा करने देना, वो गलत है। जिन लोगों का लैंड है उनको लैंड उनका वापस नहीं देना। जिस लैंड को ऑलरेडी आपने डिवाइड कर दिया, उसका ऑलरेडी कोई 40-50% हिस्सा डिफरेंट हिस्सों में तोड़ दिया आपने, वो वाला लैंड जो बच गया है उसके ऊपर भी अभी तुम लोगों की नजर है, और तुम कह रहे हो कि हिंदू खड़ा ना हो तुम्हारे खिलाफ। 1857 के हिंदू, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई जो हिंदुस्तानी थे वो सब एक साथ रहते थे, खुश रहते थे, किसने उसके क्या बाद खुश रहते थे? हिंदुओं ने नहीं, मुकाबले किसने, करना। एक यार सेकंड, मैंने एक सेकंड, मैं बचपन से ये बात सुनता आ रहा हूं, तुम आज फर्स्ट टाइम नहीं सुना रहे। किसने कहा है कि वो खुश रह रहे थे? मुस्लिम ने कहा है कि वो खुश रह रहे थे? यार देखो मैं तुम्हें ना अंग्रेजों की किताबें दिखा देता हूँ, मैं अभी औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, उसके दौर में इक्वालिटी कितनी थी, अच्छा, अंग्रेजों की किताबें दिखा रहा हूँ, तुम दिखाया मुझे अभी औरंगजेब की बात बताओगे, जबकि औरंगजेब वो भाई। शख्स था जिसने पता नहीं औरंगजेब कि, ने नहीं लिखी, तरीकदान लिखते हैं तरीक हाँ वाले। जी, बादशाहों की तरीकदान, बादशाहों का तरीकदान ही लिखता है जो उसके उसके पास बैठा होता है, बाहर का कोई नहीं लिख सकता। बादशाहत कहते ही से हिस्ट्री इज रिटन बाय द कॉन्करर, लिहाजा आपने कहाँ जाना है? आपने जाना है, तारीख दी है जो हिस्ट्री दिया आपको गुलामों ने, यार देखो मैं तुम्हें ना वो सीधी क्या बात कहते बताता हूँ हैं? कि जब औरंगजेब की हुकूमत में ना इंडिया में सिर्फ 7% मुसलमान थे और 14 करोड़ हिंदू रहते थे, पूरे के पूरे इंडिया में वैसे भी काबज नहीं थे, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये लोग अटैक्स कर रहे थे, खोया ये लोग था। हर वक्त 1705 का मैप देखो पूरे इंडिया पे काबिज हो गया था। अटैक्स कर रहे थे। नंबर तीसरी बात, आप लोगों ने 800 साल यहाँ पे हुकूमत करने की कोशिश की भाई, आज और इस वक्त तुम लोगों के फिर से प्लान है कि 45 तक तुमने दोबारा इंडिया पे कब्जा करना। देखो यार जो हिंदू जंग खड़ा नहीं खत्म ना हो गया होगा, है, जो हिंदू खड़ा नहीं होगा, मेरे मुताबिक हिंदू तो छोड़, कुत्ता भी नहीं है, क्योंकि कुत्ता भी जो है ना अपने घर की हिफाजत करता है। यार देखो मैं ये तो बता रहा हूँ, जंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग चीज है, जंग तो अरे होती है जंग वो कौन तो होती आ सी, रही है। तुम उनके मुल्क को, तुम नहीं उनके मुल्क को मुल्क के अंदर से खा रहे हो, खाना जंगी अंदर दिला रहे हो, तुम उस मुल्क पे कब्जा करना चाह रहे हो अंदर से। अबे कौन सी जंग, दिस इज द फाइट विच इज हैपनिंग इन एवरी हाउस। देखो यार हो रही है, मैंने कब कह नहीं हो रही। यार देखो मेरा इंडिया से जो मतलब है वो गजवा हिंद है, अवाम की जंग नहीं, अवाम जाके एक दूसरे को गजवा मारते हिंद, रहे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। गजवा हिंद, मुझे बताओ गजवा हिंद कब हुआ था, होना है या हो चुका था? अगर हो भी गया तो हमने फिर करनी है यार तरीक, वो तो फिर पहले सुनो ना, करनी तरीक दोहराई जाती है, तरीक दोहराई जाती है, वही बात। यार पहली बात हिंदू तो वैसे भी आपस में घटे खड़े नहीं होते, जो शूदर को अपने टच करने से पलीत हो जाएं वो तो नहीं ना आपस में खड़े होंगे, मुसलमानों के बेहतरीन। यही। शूदर बहुत बुरे हैं, इस वक्त हर दूसरा बंदा लोअर कास्ट में जाना जा रहा है। क्यों जाना जा रहा है? इंडिया ने इतनी लोअर कास्ट को वो दे दी है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सपोर्ट, कि इस वक्त जो बड़ी कास्ट वाले वो कहते हैं यार हम छोटी कास्ट के साथ शादी करके उधर से कुछ सपोर्ट ले लें। तो वो जो शूदर वगैरह गेम थी जो हम अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं सोशल स्टडीज के अंदर, पाकिस्तान मुतालिया पाकिस्तान के अंदर, वो तो गेम ही चेंज हो गई है, वो तो उल्टी हो गई है, गेम सिर्फ उधर नहीं है, गेम तो इंडियन की बुक्स में भी। होगी, मगर वो चेंज कर दी है इस वक्त। दे चेंज, दे अडॉप्टेड। तुम कुरान में से वो 78 आयतें
78 आयते कब निकालोगे जिहाद की? तुम तो मुंह से कह रहे हो तुमने गजवा हिंद करना है। क्यों करना है हंदिया पे हमला? क्या किया उसने तुम्हारा? क्या पुट्टा है उसने तुम्हारा? तुम्हारी बहन ले ली है। आइडियोलॉजी और हमारा ये ख्वाब है, जैसे इंडियन विक्रमादित्य की एम्पायर दिखाते ना, हमारा भी वही ख्वाब है कि भाई हम पूरी दुनिया पे फैल जाएं। अरे फैलो, एक सेकंड रुको, पूरी दुनिया में क्रिश्चियन फैला हुआ है लेकिन एक भी क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। असल बात जो इस्लामिक लॉ, शरिया, मुंह से बोलना शरिया, इस्लामिक अंग्रेजी की बोलता है। पूरी दुनिया में शरिया, पूरी दुनिया में शरिया नाफिज करना ना तुमने। हाँ करना है तो शरिया नाफिज करने के लिए उस मुल्क पे अटैक करके मुल्क पे हुक्मरानी करनी पड़ेगी ना पहले। हाँ।